दोस्तों, हमारी धरती माँ ने हमें बहुत सारा प्राकृतिक संपद का प्रदान किया है, जिसका उपयोग अगर हम सही तरीके से करें तो हम लोग उसके जरिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक व्यापार कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही दो प्राकृतिक संपद जिसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा क्वालिटी का धूना अगरबत्ती और धूना चंदन अगरबत्ती बनाने का जो प्रोसीड्योर है, जो प्रोसेस है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। धूना अगरबत्ती और धूना चंदन अगरबत्ती एक ऐसा अगरबत्ती है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर हम लोग सही तरीका इस्तेमाल करके बनाते हैं तो इस प्रोडक्ट का डिमांड सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरा विश्व में इसका बहुत बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो धूना चंदन अगरबत्ती बनाने के बहुत सारे फॉर्मूलेशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन फॉर्मूलेशंस में से जो चीज़ का इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है उस चीज़ का नाम है फ्रैंक इंसेंस। इस फ्रैंक इंसेंस का यूज़ अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया क्वालिटी का धूना चंदन अगरबत्ती बना सकते हैं। अब हमको जानना है कि ये फ्रैंक इंसेंस क्या है, क्या चीज़ है। ये फ्रैंक इंसेंस दोस्तों और कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार के रेजिनॉइड है। ये एक प्रकार के रेजिनॉइड है जिसका और एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग ओलिबनम के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये ओलिबनम एक संपूर्ण रूप से प्राकृतिक उपादान है जो बोसवलिया नाम का एक पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये ओलिबनम नाम का ये जो रेजिन है, ये बहुत ही इजीली केमिकल के दुकान पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों, ये ओलिबनम यानी कि फ्रैंक इंसेंस का इस्तेमाल धूना चंदन अगरबत्ती का सबसे सीक्रेट बात है जो कोई भी किसी भी वीडियो पे या किसी भी किताब पे नहीं बोलते हैं। ये फ्रैंक इंसेंस, ये ओलिबनम एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा महक का क्रिएट करती है कि आपके धूना चंदन अगरबत्ती में एक अलग सा मिठास आ जाएगा। और धूना के साथ साथ ये ओलिबनम का प्रयोग आपके अगरबत्ती में एक अलग सा खूबी लाएगा, एक अलग सा जान लाएगा जो आपके धूना चंदन अगरबत्ती के परफ्यूम पे एक स्प्रेडिंग पावर क्रिएट करेगा। अभी दोस्तों, मैं ये ओलिबनम का यूज़ करते हुए आप लोगों को धूना चंदन अगरबत्ती का एक फॉर्मूलेशंस बताता हूँ जो आप काइंडली नोट कर लीजिए। इसके लिए जो चीज़ आपको सबसे पहले ज़रूरत होगा वो है सॉडास्ट। आपको सॉडास्ट लेना है 400 ग्राम, उसके बाद उसमें आपको 300 ग्राम धूना डस्ट मिलाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम आपको मिलाना है वो है 11-11 पाउडर। ये 11-11 पाउडर आपको 30 ग्राम यानी कि 30 ग्राम मिलाना है। उसके साथ आपको मिलाना है 300 ग्राम जिकट पाउडर। अब उसके साथ आप लोगों को मिलाना है 50 ग्राम चंदन का परफ्यूम। आप चाहे तो अगर धूना चंदन बनाना चाहते हैं तो चंदन का परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा 50 ग्राम, और अगर सिर्फ धूना अगरबत्ती बनाना चाहे तो चंदन का परफ्यूम का इस्तेमाल का कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्टली जो आपको मिलाना है वो है आपको 40 ग्राम ओलिबनम रेजिन इसमें मिला देना है। नाम याद रखिए, ओलिबनम रेजिन। आप चाहे
तो ओलिबेनम रेजिन 40 ग्राम की जगह 50 ग्राम 60 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉस्टिंग या बजट के अनुसार ये आपको यूज़ करना होगा। और अंत में आपको इसके साथ 100 ग्राम गुड़ मिलाना है, 100 ग्राम गुड़ इसमें आपको मिलाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको धुना चंदन अगरबत्ती का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, ओलिबनम का सीक्रेट, फ्रैंक इंसेंस का सीक्रेट, ये हमने बता दिया। इस फॉर्मूला को अपनाइए और बनाइए अच्छे क्वालिटी का धुना चंदन अगरबत्ती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।